हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस वेबा से और आज मैं आपको चार फोन का स्पीड टेस्ट एक साथ दिखाने वाला हूं। यूजुअली मैं तीन फोन का करता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि यार एक बार चार फोन का भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो चारों फोन हैं, ये है नोट 8 प्रो, जी हां, Xiaomi का रेडमी नोट 8 प्रो। यह है नया लॉन्च हुआ रियलमी एक्स 2, यह है रेडमी K20 और जो आखिरी में है सेम फैमिली से यहाँ पर रियलमी XT। तो जल्दी से इनका एक स्पीड टेस्ट देखेंगे हम लोग और जानेंगे कि कौन सा फ़ोन कितना फास्ट है और किस तरीके से स्पीड टेस्ट में परफॉर्म करता है। जल्दी से मैं आपको उनके स्पेक्स बता देता हूँ, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। देखो, एक तो जो चारों फ़ोन हैं इनका जो रैम वेरियंट है वो एकदम कॉमन है, यानी कि 8GB एंड 8GB। यहाँ पर रैम वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अब प्रोसेसर के ऊपर आ जाए तो यार प्रोसेसर में तो काफ़ी अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी का अपने आप में एक अलग प्रोसेसर है। जो यहाँ पर है Xiaomi Note 8 Pro, इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का G90T प्रोसेसर, यह है Realme X2। इसके अंदर मिलता है Snapdragon 730G प्रोसेसर, जो कि पुराने वाले से ऑलमोस्ट कुछ 25% ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर है Redmi K20, जिसमें आपको मिलता है Snapdragon का 730 प्रोसेसर, यानी कि ये जो इसका सक्सेसर है 730G प्रोसेसर। तो इन दोनों में ऐसा है कि इसको तो फास्ट होना ही चाहिए ऑन पेपर, ये वाली चीज़ कंपनी का ऐसा कहना है। और यहाँ पर है Realme XT, जो कि है 712 प्रोसेसर के साथ। डिस्प्ले फुल HD, यहाँ पर आपको फुल HD प्लस आपको यहाँ पर मिलेगा। सुपर एमोलेड, एमोलेड दो में सुपर एमोलेड है, एक में फुल HD है और एक में एमोलेड डिस्प्ले है। तो ये हो गया। बैटरी भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो नोट 8 प्रो है इसमें आपको सबसे बड़ी बैटरी मिल रही है 4500 mAh की। बाकी जो ये तीनों फ़ोन है, यानी कि X2, Redmi K20 और Realme XT, इनके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। वैसे ही सभी में आपको इन तीनों में ये वाला इन तीनों में आपको चार कैमरास मिल जाएंगे, लेकिन जो Redmi K20 है इसमें आपको तीन कैमरास ही मिलेंगे। फ्रंट कैमरा के ऊपर भी जल्दी से बात करते हैं, 20 MP, 32 MP, 20 MP, 16 MP। तो ये तो हो गया इनका, देखो स्पेक्स हो गया। जल्दी से बिना देर कर स्पीड टेस्ट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पूरा प्रोसेस पता है, वन बाय वन सारी की सारी एप्लीकेशन हम वन बाय वन खोलेंगे। यहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड को लेके आया हूँ जो मेरी हेल्प करने वाला है, उसके ये हाथ बेसिकली हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ है। तो सबसे पहले बारी आती है सबवे सर्फर की, देखते हैं कौन सा फ़ोन सबवे सर्फर को सबसे पहले ओपन करता है। आप लोग कर सकते हो कि गैस कि पहले कौन सा ओपन करेगा। अभी के लिए मेरी जो बैट है वो नोट 8 प्रो पे है, तो देखते हैं 1, 2, 3। ओके, सो ये तो यार देखो काफी क्लियर था कि इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे खोला है ऑलमोस्ट, और उसके बाद ओपन किया है Redmi K20 ने और फिर आया है Realme XT। बहुत ही 19-20 का फर्क होगा अगर होगा तो, बट मेरे हिसाब से तो यार सबसे एकदम ही सेम टाइम पे ओपन किया इन्होंने। तो MediaTek G90T और 730G ने इस टेस्ट में एकदम बराबरी पे काम किया है। नेक्स्ट जाते हैं और बारी आती है अब हमारे दूसरे पसंदीदा गेम की, जो हम सभी ने खेला होगा टेंपल रन की, और उसके बाद बारी है पबजी की। तो यार आई थिंक पबजी के लिए तो हर कोई वेट कर रहा होगा, तो इससे मैंने नंबर 3rd पे रखा है। अभी चेक करते हैं टेंपल रन को, 1, 2, 3। तो यार देखो ऑलमोस्ट सभी बराबर थे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये था, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन आधे सेकंड से ये आगे था। आई एम श्योर अबाउट इट। सो 1.5 बोल देते हैं, 2 एंड 2.5 बोलते हैं। ओके, इट्स अ बैड जोक। नंबर 1 टेंपल रन को नोट 8 प्रो ने किया है, फिर Realme X2 ने किया है, फिर Redmi K20 ने किया है, और फिर Realme XT ने किया है। चले जाते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड गेम के ऊपर, जो कि है पबजी। आप लोग में से जो भी लोग पबजी खेलते हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप लोगों के हाईएस्ट स्किल कितने रहे हैं अभी तक। पबजी की बारी आ गई है, बिना इधर उधर की बात करें सीधे चले जाते हैं पबजी पे, 1, 2, 3। ओके, सभी ने करना शुरू कर दिया है गेम को लोड। अभी तक कोई ऐसे लेट ओपन वाला कुछ नहीं था। ओहो, यहाँ पर लीड पे है अभी X2, फॉलोड बाय नोट 8 प्रो। ये दोनों ओके, ये अभी तक सबसे पीछे है सारे, ये दोनों सेम पे हैं, ये सबसे पीछे है अभी।
ओके सो गाइस सी काफ़ी क्लियर था, सबसे पहले ओपन किया है इसने, उसके बाद किया है नोट 8 प्रो ने, फिर किया है रेडमी के 20 ने और फिर किया है रियलमी X3 ने। तो यहाँ पर आप मतलब यू नो अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को वापस प्ले करके भी देख सकते हो, बट आई एम श्योर कि जो अभी सबसे पहले ओपन हुआ था गेम वो X2 में हुआ था। या और जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, सारे के सारे जो फोन से वो एकदम सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, देयर इज नो ग्लिच इन दैट। रैम वेरिएंट एकदम सेम था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। स्टोरेज वेरिएंट्स ऑफ कोर्स आपके थोड़े थोड़े डिफरेंस रहेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इस रैम के साथ कौन सा स्टोरेज वेरिएंट कंपनी दे रही है, और ये सेम वाईफाई पे थे। अगली बारी आती है एक और हाई ग्राफिक्स गेम, जी हाँ S Fault 9 की। देखते हैं कि इसे भी X2 ही सबसे पहले ओपन करता है या फिर यू नो कोई और, इधर भी दो तीन लोग हो रहे हैं, ये दोनों तो यार अभी मतलब पहले आ ही नहीं पाए हैं, ऐसा है तो इन दोनों में ये देखा है तो कॉम्पिटिशन चल रहा है। देखते हैं S Fault 9 को कौन करता है। 1 2 3 इसने थोड़ा सा गेम को लेट लोड करना शुरू किया था। ये दोनों एकदम नेक टू नेक अभी देख सकते हैं, ये सबसे पीछे है, उसके बाद सेकेंड लास्ट पे ये चल रहा है, ये लास्ट है, ये दोनों एकदम बराबर है। या सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है, नंबर 1 पे नोट 8 प्रो ने किया है, उसके कुछ आधे या एक सेकंड के बाद X2 ने किया है, फिर K20 ने किया है और फिर X3 ने किया है। ये एकदम क्लियर था, यहाँ पर कुछ ऐसा यू नो डाउट का मतलब पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं हम लोग, अब क्रोम ब्राउज़र की बारी है। बस इसमें हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा है और वेब पेज को लोड कर रहा है। तो बिना देर करे जाते हैं, 1 2 3 क्या। यहाँ पर देखो बोलना काफ़ी टफ था, मतलब लोडिंग में तो हर किसी ने टाइम लिया, लेकिन 1 2 3 4 था, ऐसा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं था तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ये मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा ब्राइटनेस का यहाँ पर आपको डिफरेंस लग रहा है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार कि आपने ब्राइटनेस सेम ही रखी है, तो उसका रीज़न ये है कि फिर ना बर्नआउट हो रहा था, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि आपको इसकी ब्राइटनेस कम लग रही है, इसके डिस्प्ले में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, और बाकी दो सुपर एमोलेड और एमोलेड है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा स्पीड टेस्ट तो हो गया, जो आपने देखा कि कहीं पर ये फर्स्ट था, कहीं पर ये फर्स्ट था, लेकिन ये दोनों कहीं भी फर्स्ट नहीं आए हैं। अब रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन हमने खोली थी जल्दी से देखते हैं कि क्या वो बंद हो गई है या फिर वो रीस्टार्ट हो रही है या फिर जैसी छोड़ी थी वैसी ही है, तो रिज्यूम हुई या नहीं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबवे सर्फर आप देख सकते हो, हमने जहाँ पर एकदम ऐसे पॉज बीच में बंद कर दिया था, वो ये रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है टेम्पल रन की, टेम्पल रन को भी चेक कर लेते हैं कि किसी फ़ोन ने किल किया है क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी, आप इसको यू नो जहाँ से आपने गेम छोड़ा वहाँ पर खेल सकते हो। पबजी को देख लेते हैं, तो यस इवन सबसे अच्छी बात है कि ऐड मैंने इन दोनों में बंद नहीं कर दिया था, आप देखो वो भी वैसे के वैसे ही हैं। तो अगेन रिज्यूम हुआ है, तो यानी कि बैकग्राउंड में अभी तक सारी एप्लीकेशंस रन हो रही थी, कोई सा भी फ़ोन किल नहीं कर रहा है। यहाँ पर चले जाते हैं तो नो थैंक्स जी हाँ, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी किसी भी फ़ोन ने S Fault 9 को किल नहीं किया है, तो बैकग्राउंड में सारे के सारे रन हो रहे थे, और यहाँ तो ऐसा कुछ चेक करने ऐसा है ही नहीं। तो यार देखो, अब पूछेगा मुझसे कोई कि यार कौन सा फ़ोन फास्ट है, तो मैं बोलूँगा यार कि यू नो मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक थे, ये दोनों तो मतलब बाहर ही है, लीक से ही बाहर है, और ऐसा गलत भी नहीं, क्योंकि यार इसके अंदर प्रोसेसर पहले का है, इन दोनों के अंदर काफ़ी एडवांस प्रोसेसर है, ये तो इससे ऑलरेडी फास्ट है, तो इसको होना भी चाहिए था। तो ऑन पेपर जो कंपनी बोल रही कि भाई हम लोग इससे फास्ट है, तो वो तो है, ये वाला प्रोसेसर फास्ट है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इन चारों फ़ोन में से मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं इसका गेमिंग रिव्यू कर रहा हूँ X2 का, आप उसमें देखना, उसमें मैं एकदम क्लियर आपको बता दूंगा। और ये यस ये बेट है आपको क्या रहा वाला वीडियो आके देखो, वरना मैं ये बता तो यहाँ भी सकता हूँ कि कौन सा फ़ोन इन दोनों में से लेना चाहिए। तो आगे देखेंगे इस चीज़ को, अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और आप और कोई सा वीडियो भी देखना चाहते हो क्या, स्पीड टेस्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।